नमस्कार। ये हर किसी को मालूम है कि कोरोना से छुटकारा पाने का एकमात्र मंत्र है टीका वैक्सीन। अब तक दुनिया भर में यही कहा जा रहा है कि कोरोना का टीका लगाओ और कोरोना को हराओ। ये एक बड़ा कारण है कि समूचे विश्व में लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। बावजूद इसके दुनिया के कई देशों में लोगों के बीच टीकाकरण बहुत स्लो है। एक बात ये भी है कि लोग टीके पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये हाल है रूस का। अभी रूस में ऐसे लोग भी हैं जो स्पुतनिक वी वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां से लोग रूस घूमने के लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें वैक्सीन लगाने का मौका मिले। सबसे ज्यादा जर्मनी के लोग आजकल रूस की ओर घूमने जा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग घूमने नहीं जा रहे, उन्हें असल में लोभ है स्पुतनिक वी वैक्सीन का। जर्मनी के ज्यादातर एयरपोर्ट से रूस की ओर जाने वाले विमान में लोग खुशी खुशी रूस जाने के लिए बैठ रहे हैं और रूस जाते ही सबसे पहले वैक्सीन ले रहे हैं। रूस जाने वाले जर्मनी के लोग बताते हैं कि उन्हें ये मालूम नहीं है कि जर्मनी में वैक्सीन कब लगेगी, इसीलिए जल्दी से वैक्सीन लेने रूस जा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जितनी तेजी से लोगों को वैक्सीन लगेगी, कोरोना को भगाने में उतनी ही मदद मिलेगी। और तो और, नॉर्वे की एक कंपनी ने इसके लिए एक और ऑप्शन निकाला है। विमान कंपनी को लगता है कि जर्मनी से ज्यादातर लोग इसका लाभ उठाएंगे, ऐसा हो भी रहा है। अभी सैकड़ों की संख्या में लोग रूस जा रहे हैं और कोरोना पैकेज ले रहे हैं जिसमें पहले से ही वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था है। जर्मनी में अभी लोगों को हाल ही में वैक्सीन लग जाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, इसीलिए रूस की ये यात्रा लोगों को कई मायनों में बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी ओर, रूस में स्पुतनिक वी हर किसी को फ्री में दी जा रही है। हालांकि वहां जो टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं उनसे मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए $240 से $265 के बीच भुगतान भी लिया जा रहा है। ये हाल तब है जब एक सर्वे के मुताबिक 2/3 रूसी लोग स्पुतनिक वी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। रूसी वैक्सीन को अभी यूरोपीय संघ में मान्यता नहीं मिली है, जांच चल रही है, लेकिन जर्मनी के लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोग खुशी खुशी टीका लगवा रहे हैं। कुल मिलाकर टीका को दुनिया भर में अच्छा माना जा रहा है। मतलब सीधा है, टीका लगवाने का जैसे ही मौका मिले इस मौके को हाथ से ना जाने दें।